ज्ञान का अर्थ प्रकार स्रोत एवं विधियाँ। हम आज बीएड फर्स्ट ईयर में कोड 102 के अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक शंकराचार्य के अनुसार ज्ञान को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर एक अपरा ज्ञान, अपरा ज्ञान। इसके अंतर्गत उन्होंने विषय वस्तु जगत एवं मनुष्य के जीवन के विभिन्न पक्षों को ज्ञान के अनुसार रखा है। उनकी दृष्टि से यह ज्ञान केवल व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी है। शंकराचार्य के अनुसार अपरा ज्ञान यानी लौकिक ज्ञान, इसके अंतर्गत उन्होंने वस्तु जगत एवं मनुष्य जीवन के विभिन्न पक्षों के ज्ञान को रखा है। उनकी दृष्टि से यह ज्ञान केवल व्यवहारिक रूप से व्यवहारिक जीवन के लिए ही उपयोगी होता है। अब है अपरा ज्ञान, परा ज्ञान जो कि आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक ज्ञान इसके अंतर्गत उन्होंने वेद, उपनिषद, एवं गीता ग्रंथों की तत्व मीमांसा को रखा है। उनके अनुसार इस ज्ञान के द्वारा मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। पराज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान शंकराचार्य के अनुसार उन्होंने वेद में उपनिषद एवं गीता के ग्रंथों की तत्व मीमांसा को रखा है। उनके अनुसार इस ज्ञान के द्वारा मनुष्य अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है।
इंद्रिय जन्य ज्ञान इस वर्ग में उन्होंने उस ज्ञान को रखा है जो मनुष्य अपनी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करता है। परंतु इस ज्ञान को वह असत्य मानते हैं। उनके अनुसार जिन वस्तुओं के इंद्रिय जन्य ज्ञान इस वर्ग में उन्होंने उस ज्ञान को रखा है जो मनुष्य अपनी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करता है, परंतु इस ज्ञान को वे असत्य मानते हैं। उनके अनुसार जिन वस्तुओं अथवा क्रियाओं का ज्ञान हम इंद्रियों द्वारा प्राप्त करते हैं वे सब परिवर्तनशील हैं, इसलिए उनके विषय में जानना अंतिम सत्य नहीं हो सकता। उन्होंने ज्ञान के अन्य और भी प्रकार बताए हैं जो निम्न प्रकार से हैं।
जाति जन्य ज्ञान। इस वर्ग में